हमारे तालुके के यानी बहुत बड़े लीडर है, कारखाना काले सुदगिरी सब है, मगर कुछ चीजें ऐसी आती कि नहीं, अरे बीजेपी में काम कर रहा है इसको बायकॉट करो, ये एमआईएम में काम कर रहा है इसको बायकॉट, क्यों बायकॉट करो? कल कुछ काम आया, अपन नहीं जा सकते मगर अपने भाई का काम तो कर सकता है। इसके लिए मेरी खुद की एक अपील है, हर पक्ष में काम करो, एक घर से अगर दो लोग होते तो दोनों पक्षों में रहो, और जब कौम का काम आ जाए तो एक कट्टे आ जाओ, अपने इखलात एक तरफ रखो। और जैसा हमारे बिका दादा ने कहा, मैं बिका दादा से यानी वो रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ, अभी हमारे शादा के मिसाल, हमारे नासिर भाई ये हमारे जमेदल मंसूर के है, कौन से पार्टी के? ऑल इंडिया मंसूर, ऑल इंडिया मंसूर, अभी बीच बीच में ऑल इंडिया मंसूर, बीच बीच में बहुत तीन एक पार्टी चल रही थी, सबसे पहले ये पार्टी चली अपनी ऑल इंडिया मंसूर, ऑल इंडिया जमेदल मंसूर, उसके बाद एक इन्होंने एक नई पार्टी लाई, ऐसे हौसला आदमी का बढ़ता, तीन एक पार्टियां फेसबुक पे चल रहे, किसमें किसको लाइक करना अपन ने? नहीं वैसा नहीं, अपनी ताकत घट रही ना, मैंने क्या बोला कि हर उसके अंदर पिंजारा गौ रहता, बुरा बुरा मत लगने देना, एक एक आदमी अगर कोई पार्टी बनाने निकला है, लगे मेरा अपोज वाला, अरे आरिफ मासूम नहीं चल रहा, उसने लाया दूसरी पार्टी खड़े कर, साला किसको लाइक करना है समझ में नहीं आते। हमने जमात बनाया, हमारे गाँव में चार जमातें थी, पहले एक ही थी, ऐसी खींचातानी में चार होगी, हाँ फिर अल्लाह का ऐसा हुआ, शादा वाले बहुत अच्छे है, एक प्लेट बांपे बच जाएगी, चालो आ जाते आगे, चालो चालो ने डिक्लेयर भी कर दिया अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमने वहां पर जमात खाने के लिए जगह भी ली, अभी एक होने के बाद लिए, अभी देखे तो खींच ही रहे थे सबों के पास, था मेरे पास एक लाख पड़े, मेरे पास तीन लाख थे, आधे बोल रहे आरिफ ने तीन लाख खागा, कहां से खागा, उसके पास बड़े 50,000, उसके पास एक लाख, सबों ने इकट्ठा पैसा करे, कुछ बेचारे ने हमारे दोस्त ने एक पैसे डाला, 11 लाख रुपए का प्लॉट लिए 12 मीटर के रोड पे, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, आमदार ने 25 लाख रुपए देने का वायदा करा, तो 25 लाख रुपए गवर्नमेंट से, आमदार बोले भाई मेरी निधि में से, नेता अल्पसंख्यक निधि में से मैं दूंगा, अभी जाके हमको ऐसा लगा कि भाई हम एक प्लेट भांपे, तो ऐसा नहीं होगा भाई खेचा तानी करे और अपने आने वाले अपने बच्चों का मुस्तकबिल खराब करे, अगर मेरे साथ नहीं जमती हो, आने वाली जमा आने वाले जो कौम है अपनों को बर्दाश्त नहीं करेगी, अपने बच्चे बोलेंगे हमारा बाप ने क्या करा, क्या करे समाज के लिए, आज हमको ये खुशी होती है कि भाई हमारी एक जगह हो गई, हम नहीं तो हमारे बच्चे बनाएंगे, मगर है सर छुपाने के लिए जगह है, तो आरिफ भाई मेरी एक ऐसी एक राय है कि जैसा भाई हम बॉम्बे वगैरह जाए तो हमको भी जमीदुल मंसूर का भाई एक थोड़ा एक वहां पर वहां भवन होना चाहिए, भाई जैसा किधर रुकने को जगह नहीं मिले तो आरिफ भाई को फोन करे कि आरिफ दादा हमारा जरा बंदोबस्त कर दो, बराबर है कि नहीं? सही है, सही है। तो ये तो देखो लड़की लड़की ये वो ये बागरी वो बागरी, बाप को पाल नहीं रहे तो चलने वाला है, मरे दम तक के चलने वाला है, एक ही घर में चलता है वो, तो सवाल ही नहीं आता, बाप ने करोड़पति करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ा तो भी वो पूरा